हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाणिज्य की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट के पर्सनल अकाउंट के बारे में। टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में जितनी भी चीजें थी लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था और आप लोगों को समझ में भी आया रहा होगा। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है पर्सनल अकाउंट के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको वहां से वो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज के पाठशाला में हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में जितने भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है उनको रखा जाता है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को असेट्स बोलते हैं। असेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक टैंजिबल असेट्स, एक इनटैंजिबल असेट्स। जो टैंजिबल असेट्स होता है इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और इनटैंजिबल जो होता है वो केवल फील किया जा सकता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। टैंजिबल असेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स मतलब मोटर कार, बाइक वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। स्टॉक, कैश और इसके अलावा जितने भी असेट्स आप जानते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टैंजिबल होता है। इनटैंजिबल असेट्स गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस में जितने भी इनकम और गेन्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं सबको रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम रेंट अकाउंट, रेंट एक्सपेंस है, खर्च है, कमीशन रिसीव इनकम है, सैलरी अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्च है, वेजेस भी खर्च होता है, कन्वीनियंस भी खर्च होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी बिजनेस में खर्च होंगे या फिर इनकम होंगे उनको रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।